हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डेज वीडियो। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया है, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। अफर प्रेजेंट परफेक्ट हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है, जिसमें हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि आपको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो वाक्य की, मतलब आपके काम की पूर्णता को दर्शाती है कि आपका काम पूर्ण हो चुका है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें हमने बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बात की थी सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह आपके कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। यह जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वह आपके कार्य, हाँ, एक मैंने प्रेजेंट इट्स सिंपल में भी आपको बताया था हैज और हैव का, लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में भी मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। वो है जैसे आई, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, क्योंकि मेरे पास कार अभी भी है, तो वो प्रेजेंट सिंपल को दर्शा रहा है। उसमें आपके कार्य की पूर्णता को नहीं दर्शा रहा है वो। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो आएगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आई आई वी यू और दे के साथ, आई वी यू दे के साथ तो आएगा हैव, और ही सी इट और नेम और सिंगुलर के साथ आएगा हैज। जैसे मैं खाना का खा चुका हूँ, अब देखो एग्जांपल, मैं खाना, हिंदी में बता रही हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके है आते हैं, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैं खाना खा चुका हूँ, अब देखो आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अब ये हो गया साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य। अब एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें हम एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। एडवर्ब हमारी हो गई रिसेंटली, सो फार, ये हमारी एडवर्ब्स हो गई। जैसे वह अभी तक 10 रन बनाया है, यानी कि वह अभी तक 10 रन बनाया है। ही हैज मेड 10 रन सो फार, वह अभी तक 10 रन, एग्जाम्पल देख लो आप, वह अभी तक 10 रन बनाया है, वह अभी तक 10 रन बनाया है सो फार। ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड 10 runs so far, ये भी present perfect में affirmative sentence में एक ये adverb वाला part भी आता है। वह अभी तक 10 run बनाया है, he has made, इसके साथ has आएगा ही, he has made 10 runs so far। अगली बात समझ में, ही हैज मेड 10 रन सो फार, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस
अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये देखो इतना हमारा, ये जो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, ये पिछला ही है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फार्मूला वही है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, फार्मूला वही है। सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट और ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट पहले आएगा गाइस, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं खा चुका है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब मैं, सब्जेक्ट में क्या आएगा मैं। आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्योंकि मार्कर इतना अच्छा इस पे चल नहीं रहा है, मैं आपको फिर बाद में इस डायरी से बताऊंगी। आई हैव नॉट ईटन फूड, ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जो काम समय से चलता आ रहा है, मतलब पूर्णता भी है और चलता भी आ रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो काम समय से चलता आ रहा है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो जो मैंने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट था, अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बात करेंगे। जो काम समय से चलता आ रहा है, तो इसका फार्मूला होगा गाइस सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर, ये इसका फार्मूला होगा, ये इसका फार्मूला होगा। मैं आपको इसमें जो साफ नहीं दिख रहा है तो मैं साफ दिखा देती हूँ गाइस, ये इसका फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट सीन्स और फोर, ये इसका फार्मूला है। एक रैंडम फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, तो आप उसको सीन्स और फोर का, जैसे वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है, वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है। एग्जाम्पल के लिए वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket. अब दो दिन से, वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है। For two days. For two days. अब हाँ, सीन्स का प्रयोग, सीन्स का जो यूज किया जाता है वो पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, टू डेज, टू ओ क्लॉक, संडे, मंडे, अप्रैल, मार्च 2019-2020, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का प्रयोग किया जाता है। और पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है, जैसे मंथ, सेकेंड, वीक, इन सब चीजों के लिए, मंथ, वीक, इन सब चीजों के लिए
तो फोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है, वह दो दिन से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू डेज। अब ये जो हमारा टू डेज एक फिक्स पीरियड्स ऑफ टाइम है, इसके लिए हमने फोर का प्रयोग किया है। और बाकी सब्जेक्ट वह हैज, ही के साथ हैज आता ही है, बीन आई एन जी, ऑब्जेक्ट और सीन्स और फोर। तो अब एक बार वापस प्रेजेंट टेंस को थोड़ा रैंडम समझ लेंगे एक छोटे से फॉर्मूले से। फिर ये प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस आता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस आता है। हिंदी वर्ग के अंत में ता है, तीय तेह आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ई जे एम आर प्लस आई एन जी और रहा है और रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैज है बीन आई एन जी और से रहा है, यानी कि पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम सीन्स और फोर। अब देख लेते हैं हम इतना, इसमें इतना देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ई एस प्लस एस, ता है ती है। ये हो गया हमारा वर्ब की प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा वर्ब की फर्स्ट, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, एम प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, रहा है, रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, से रहा है, से रहा है। ये सब हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस में के बारे में बात करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में कोई भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँगी। और इसका एक रैंडम फार्मूला मैं मतलब इसको एकदम रफली मैं आपको उसमें डायरी में दिखा देती हूँ, उस पर साफ नहीं दिख रहा है। तो प्रेजेंट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ता हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। फिर इज एम आर प्लस आई एन जी, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव बीन प्लस आई एन जी, से रहा है, से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सीन्स और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। और आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। हमने पिछला प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा था कि साधारण प्रेजेंट चार प्रकार के होते हैं, मतलब उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सबके हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सब पढ़े। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य होते हैं, नेगेटिव में नोट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दी जाती है। तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है और हम बात करेंगे आज पास्ट टेंस की। आज किसकी बात करेंगे? पास्ट टेंस की। और गाइस जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो एकदम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के भी वही चार पार्ट होते हैं, सिंपल जिसे हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट,
और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट। तो गाइस हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक बार एकदम सिंपल तरीके से देख लो, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में मतलब था थे थी, जो हिंदी वाक्यों के अंत में आप जो आइडिया लगा सकते हैं था थे थी। और पास्ट टेंस का एक एक मतलब उसका एक जो काम आप कर पिछले उस जो काम आपने किया और या जो काम आप करते थे, दोनों ही होता है इसमें। जो काम आपने किया और जो काम आप करते थे, हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की। हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। पहले इतना देख लो, पास्ट टेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की। हम ओनली पास्ट सिंपल की बात करेंगे आज। इसका स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस का जो पार्ट होता है, पास्ट टेंस में मतलब आप जो काम करते थे या जो काम आपने किया। जैसे कि आप मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर। इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं। मैं जयपुर गया। आई सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, गो वेंट गोन तो सेकंड फॉर्म। मैं आई वेंट टू जयपुर। हो गया, मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर। मैं वहां जाता था। अब जो काम आपने किया और जो काम आप करते थे, तो मैं जयपुर गया, यानी कि इस किया के हिसाब से मैं जयपुर गया। और जो काम आप करते थे, मैं वहां जाता था। आई वेंट देयर। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि दोनों में ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में ही वही आने वाला है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देख लीजिए गाइस, पास्ट टेंस को चार पार्ट में बांटा गया है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें पास्ट सिंपल की हम बात कर रहे हैं। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, किया और करते थे। मैंने कोई काम किया या मैं कोई काम करता था। अब मैं जयपुर गया, आई वेंट टू जयपुर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। इसको आप आसानी से समझ सकते हो। और हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग, जैसे आपकी कोई हैबिट है वो पास्ट से चली आ रही है, उसको दिखाने के लिए आप यहाँ यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूज टू का प्रयोग हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग हैबिट को दिखाने के, क्योंकि हैबिट भी तो पास्ट से चली आती है ना, तो यूज टू का प्रयोग हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। अब गाइस एक चीज और है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का प्रयोग देते हैं। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट
प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हेल्पिंग वर्क प्लस वर्क की सब्जेक्ट वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मैंने उसे नहीं देखा आई डिड नॉट सी हिम मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको पास्ट अफर्मेटिव में जो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये इसका नेगेटिव का, और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दी जाती है। डिडंट बोलते हैं इसको, डिडंट बोलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में रहे थे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जब मैं वहां गया वह सो रहा था। अब देखो इसमें दो टाइप के होगा, एक तो सिंपल और एक कंटिन्यूस। जब मैं वहां गया वह सो रहा था। When I went there, he was sleeping. When I went there, he was sleeping. जब मैं वहां गया वह वहां सो रहा था। When I called him, he was eating food. अब ये हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और पास्ट कंटिन्यूस के बाद में अगर इसको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर इसमें ही अपन नेगेटिव बनाएंगे तो वाज और वर्क के बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा। वाज और वर्क के बाद में नोट लगा देंगे। अच्छा है, समझ में आया आपको। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस पास्ट, इसका पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो फिर पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट वाज वर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग, जब मैं वहां गया वह सो रहा था। और अगर नोट नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट लगा देंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। पास्ट कंटिन्यूस मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाएंगे। और इसके लिए सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बाय बाय।